जगह एक्सप्लोर करने के लिए जो स्कर्टूम है जिसका नाम है शंकरीधर लेक। तो आपको इसके बारे में लेक के बारे इस लेक के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताने चलूँ कि आज हमारा आखिरी दिन है सिकरदू में, और बस इस शंकरीधर लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली अपने घर रवाना हो जाएंगे और सिकरदू को गुड बाय कह देंगे। मतलब सिकरदू हम छोड़ के अपने घर रवाना हो जाएंगे आफ्टर एक्सप्लोरिंग शंकरीधर लेक। लास्ट प्लेस होगा इस पूरे सिकरदू का टूर में, बहुत मज़ेदार ये टूर रहा था। और अभी मैं आपको शंकरीधर लेक जाके मिलता हूँ। टना भाई, हम लोग शंकरीधर लेक भी पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये जैसा आप देख सकते हैं इधर एक बड़ी अच्छी एंट्री बनाई हुई है। अच्छा, मैं आपको शंकरीधर लेक बताते चलूँ। ये कहा जाता है कि एक हार्ट शेप लेक होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एक फेमस प्लेस भी है इस पूरे सिकरदू का। तो हमने कहा चलो यार ज़रा देखते हैं ये शंकरीधर लेक कैसा है। वैसे भी हमारे होटल से कुछ ही करीबे में है। इधर मैंने नोटिस किया कि यार इन एंट्री में कि बड़ी ज़्यादा इधर ना ग्रीनरी हुई थी, मतलब बड़े फ्लावर्स इन्होंने लगाए हुए थे, जैसा आप देख भी सकते हैं बड़े ट्रीज़ लगाए हुए थे, और यहाँ तक के फ्रूट्स के भी ट्रीज़ लगाए हुए थे, उबानी के भी और एप्पल के भी। लेकिन मसला यार ये है कि अभी एप्पल जो है वो कच्चे होंगे क्योंकि अभी तो उनका सीज़न ही नहीं ना आया। सितंबर को कहा जाता है उनका सीज़न आता है, तो इस वजह से अगर पक्के सेब होते यार तो अलग ही मज़ा आना था कसम से। लेकिन मसला ये है हमें ना अलाउ नहीं करते तोड़ने के लिए, तो हाँ ये भी मसला है। चलो फिलहाल अभी हम लोग जा ही रहे हैं टूवर्ड शंकरीधर लेक, और यहाँ जी ये आ चुके हैं यार शंकरीधर लेक। और इधर तो ग्रीनरी बड़ी बार अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी थी, ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल में आ गए हो कसम से। हाँ तो अभी मैं आपको शंकरीधर लेक दिखाता हूँ। ये रहा भाई शंकरीधर लेक। अच्छा, हमें पता चला कि भाई ये जो लेक आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये बेसिकली एक नेचुरल लेक नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब इन्होंने खुद ही इसको एक हार्ट शेप लेक बनाया हुआ है। तो यार हम थोड़ा असुविधा हो गए, हमने कहा यार ये क्या बात है, ये नेचुरल लेक होनी चाहिए तो उसका तो ज़्यादा मज़ा आता है, आर्टिफिशियल का क्या मज़ा। इधर एक हमें प्लेन भी मिला था, और ये जो प्लेन है मैं आपको बताते चलूँ, ये इंडोसेवर में जो था ना डूब गया था, लेकिन अलग का शुक्र है कि उसमें जो सारे पैसेंजर्स थे वो बच चुके थे। ये सिकरदू का ये प्लेन है और इन्होंने यहाँ पर इसको शंकरीधर लेक में रखा हुआ है। हाँ जी, शंकरीधर लेक में बस एक ही वाटर एक्टिविटी थी जो कि ये बोटिंग ही थी, तो हमने कहा चलो यार बोटिंग तो कर लेते हैं, कुछ मज़ा तो आ जाए। लेकिन मैं आपको अपने रिव्यूज़ बताऊँ शंकरीधर लेक के, तो बिल्कुल ये फजूल मुझे कोई जगह लगी है अभी तक, फजूल जगह जो कि मैंने अपने पूरी लाइफ में एक्सप्लोर की हो, पूरी लाइफ में, मतलब कोई बस इधर एक वाटर एक्टिविटी बोटिंग बस रख दी यार, और ऊपर से है भी एक आर्टिफिशियल लेक, तो इसका क्या मज़ा आएगा। हाँ, इधर एक रिजॉर्ट भी है, अगर आप चाहो तो उधर स्टे कर सकते हो, उसका ज़रा मज़ा आएगा आपको, लेकिन मसला ये है कि वो रिजॉर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और इधर हाँ एक कैफ़े भी है काफ़ी ज़्यादा जो कि जैपनीज़ टाइप का है वो भी, लेकिन बहुत महंगा है। हमने डिसाइड किया कि भाई चलो हम ये कैफ़े ज़रा ट्राई करेंगे, कैसा कैफ़े है, बड़ा मशहूर सुना है हमने ये कर दूँ मैं पूरे, लेकिन भाई महंगा है इतना तो क्या ट्राई करा होना चाहे। फिलहाल इधर हमने बोटिंग में बहुत इन्जॉय किया, बोटिंग में भी बर्फ इतना मज़ा तो नहीं आया था, तो बस हमने डिसाइड किया कि भाई बस चलते ही हैं और क्या करें, इधर तो मज़ा तो कुछ आया ही नहीं था इतना। तो हाँ बस यही था शंकरीधर लेक में जो आपने देखा, बस यही था और कुछ नहीं था। हाँ बस यही था, फजूल सा था। एक आर्मी का भी इन्होंने ना एरिया बनाया हुआ है, वो मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन वो अलाउ ही नहीं करते हमें। खैर ये प्लेन ज़रा अच्छा, बस प्लेन ही अच्छा लगा है, और शंकरीधर लेक तो बिल्कुल मुझे कोई खास इतना अच्छा नहीं लगा। बस अब अपने हम होटल जा रहे हैं और होटल में अपनी पैकिंग शैकिंग करते हैं ताकि हम अपने घर रवाना हो जाए। बहुत मज़ा किया हमने यार यहाँ पर सिकरदू में, शंकरीधर लेक में तो नहीं किया लेकिन जो अदर जगह थी सिकरदू में हमने वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो था वो मज़ा किया। हाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। और अब फ़िलहाल भाई हम अपने घर रवाना होते हैं, बड़ी घर की याद आ रही है तो जल्दी से घर रवाना होते हैं। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ सिकरदू। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने कभी भी समर वेकेशन या किसी जगह में अपना प्लान बनाना है तो उसमें से सिर्फ अगर आप सिकरदू ही एक्सप्लोर कर लोगे भाई आप, तो ऐसा होगा कि आपने पूरा पूरी दुनिया ही एक्सप्लोर कर लिया। सिकरदू लिटरली सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है इस पूरे पाकिस्तान का, और यही सिर्फ और सिर्फ इकलौती खूबसूरती है इस पूरे पाकिस्तान का। मैं रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप सिकरदू ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। हुंजा जो कि इतना फेमस, मैंने उसका नाम सुना है, उसको आप छोड़ दीजिए, सिकरदू ज़रूर आइए। सिकरदू इज़ बेटर। ज़रूर आइए, मूजा छोड़ दीजिए, सिकरदू आइए, सिकरदू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब तो फिलहाल हम, और इधर जो है ना इसकी खासियत ये है तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं। अभी तो आप कह सकते हो हमने पूरा सिकरदू अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया। हाँ जी, हमने तो बस अभी कह सकते हो कि आधा सिकरदू एक्सप्लोर किया, अभी आधा और रहता है। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई आधे से भी कम कह दो, मतलब इतनी जगह अभी भी रहती हैं सिकरदू,
खोखा वाटरफॉल भी घूमा, कोल डेजर्ट घूमा, अपर कचूला लेक, शंगरीला लेक और पाशु वैली, ये सब जगह हमने एक्सप्लोर की। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आधे से कम हमने सिकरदू एक्सप्लोर किया है। मैं आपको जगह बता देता हूँ जो हमने फिलहाल देव साहिब भी हमने एक्सप्लोर किया, और मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जो कि अभी हमने एक्सप्लोर भी नहीं की। और यहाँ पर एक आई लव सिकरदू का बोर्ड भी था, हमने ज़रा इसके साथ तस्वीरें खिंचवा दी थी ताकि हमारी सिकरदू की याद ज़िंदा रहे। और बस इतनी वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपको एक अगली वीडियो से मिलता हूँ, एक अगली शॉर्ट से मिलता हूँ। खुदा हाफिज़।